कोटा भी है, दस्तूर भी है और टाउन में एक तंदूर भी है. तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने कहा अभी, वैसे वापस कहूँगा कि क्या हो गया, लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगर बड़ी फिल्म आती है, बड़े प्रोडक्शन की फिल्म आती है तो वही फिल्म अच्छी होगी. लेकिन वो निकलती है एकदम ज़ीरो, आपके पैसे भी बिगड़ते हैं और आप शर्म के मारे कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि आप उन इंसान का फ़ैन होते हो या फिर उसको प्यार करते हो. लेकिन क्या होता है कि कोई भी अपने माँ के पेट से स्टार बन के पैदा नहीं होता है. हम ऑडियंस ही उसको स्टार बनाते हैं, आप लोग ही बनाते हो और आप लोग ही जो करते हो वो आप ही करते हो. इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक आप फिल्म को देख ना ले, किसी से सुन के उसके बारे में ना मान ले. क्या हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए किसी ने बोला मान लिया चले गए? अरे भाई, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक आदमी को दाल पसंद है, दूसरे को रोटी पसंद है, तीसरे को चिकन तंदूरी पसंद है, चौथे को खीर पसंद है. इसीलिए मैं अपने दोस्त को सरोज खान, जो मेरा दोस्त है, इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी है और आने वाले टाइम में अच्छी फिल्में भी बनाना चाह रहा है, तो मैं ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहा हूँ. मेरा दोस्त भी है और प्लस वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है जिसने कम से कम हज़ारों लोगों का घर चलाया है. एक फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों का घर चलता है, तो वो बॉलीवुड का घर चल रहा है. तो अगर वो बॉलीवुड का घर चलाना चाहता है और आगे भी लोगों को काम देना चाहता है, तो जब तक आप लोग फिल्म देखेंगे नहीं, उस आदमी का पैसा नहीं निकलेगा. अगर उसका पैसा निकलेगा नहीं तो दूसरी फिल्म कैसे बनाएगा? तो कहीं ना कहीं आप नेकी के ही काम करते हो कि आप किसी छोटी फिल्म को देखते हो, उसको देख के आप जज करते हो, तो उस आदमी का पैसा निकलता है और वही पैसा, आपका गया हुआ पैसा, वो दूसरी फिल्म बना के दूसरे लोगों को देगा. तो कहीं ना कहीं अच्छे काम करते हो, नेकियां आप करते रहो. अगर आप फिल्म देखने का शौक है तो सारी फिल्में देखो, ना कि सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की फिल्में देखो, एजाज खान की भी देख लिया करो मेरी जान. अगर बात करें पॉलिटिक्स की, फिल्म जो है वो देश पे है, तो वो जो सरकार इस समय बैठी है और कुछ अपने साहित्यकार इस समय अपने रिटर्न कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भाई चल रहे हैं जमाने में रिश्वतों के सिलसिले, तुम भी कुछ ले दे के हमसे मोहब्बत कर लो. भाई लेन देन चल रहा है, बड़े बड़े चोर बैठे, बड़े बड़े डाकू बैठे, गब्बर सिंह चला गया, इन लोगों को छोड़ गया. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, जब तक हम नहीं जागेंगे, हमारा इंडिया का यूथ नहीं जागेगा, तब तक मेरे भाई इनके पैरों के नीचे दबते रहोगे, गुलाम बनते रहोगे. 9 to 6 का जॉब होता है लेकिन फिर भी 9 to 9 करोगे. हाँ भाई, एजाज भाई की बात करें तो उनके फैंस कभी नाराज नहीं होते और कुछ दिनों से ही कहते हैं कि यूँ ही खामोश क्या हुए, लोगों ने फसाने बना दिए, एजाज भाई को देख नहीं रहे उनके फैंस पर्दे पर. क्या क्या भाई, जब सैलाब आता है ना, सुनामी आता है, उसके पहले बहुत खामोशी होती है, लोग बीच पे बैठ के नाच रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, और जैसे ही पानी आता है, अरे भाइयों ये तूफान आने के पहले की खामोशी है. देख रहे होगे नहीं बिग बॉस क्यों नहीं चल रहा है? चलाओ, 8 चलाओ, 9 चलाओ, 10 चलाओ. बिग बॉस 1, एजाज खान एंटरटेनर, सलमान भाई तो होस्ट है, वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन एंटरटेनर अगर मेरे जैसा कोई आ गया तो मुझसे कहना, क्योंकि मैंने अपना जोकर बना के मेरे फैंस को हंसाया है यार, मैंने दुनिया को हंसाया, मैंने जनता को हंसाया है. तो लोगों को हंसाना आसान बात नहीं होती है, इसीलिए बस मैं ये कहूँगा कि आप अच्छी और बुरी चीज़ों को समझो, फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, अच्छी या बुरी है. और मेरी आने वाली फिल्म है लव डे, जो आ रही है 14 February को, और सबके लगेंगे लव डे, समझेगे ना.